दिस इज द मैच द कॉलम क्वेश्चन और इसमें हमको दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर सच दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 3/2. तो पहले तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं. सो दिस इज ट्वाइस सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू माइनस 3. टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट टर्म से आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. इससे आ जाएगा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा और इससे आ जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा. तो सिग्मा करके लिख दिया ना, ये तीनों टर्म्स को हमने एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और माइनस 3 को इधर लाके इसको मैं लिख लेता हूं ट्वाइस सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ट्वाइस सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा. और ये जो माइनस 3 है इसको इधर ले आके प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं. अब एक 1 को तो लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. ये जो सेकंड है 1 इसको लिख लो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा. और जो थर्ड नंबर पे 1 लिखा है इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा. नाउ वी कैन ऑब्जर्व यदि हम कॉस वाली टर्म को साथ लिख दें और साइन वाली टर्म को साथ लिख दें वी विल हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस ट्वाइस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ट्वाइस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस ट्वाइस कॉस गामा कॉस अल्फा. और ऐसे साइन वाली टर्म को साथ लिख लें तो दिस इज इसको एक साथ लिख देते हैं प्लस सेम चीज साइन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा इक्वल टू 0. तो ये टर्म तो हो जाएगी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर और ये हो जाएगी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये तो होल स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और प्लस करने पे 0 आ रहा है. सो ओनली पॉसिबिलिटी ये दोनों की टर्म कैसे हो जाए 0. एंड सिग्मा साइन अल्फा दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज 0. अभी जो टर्म्स जो कॉलम 1 में जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं. तो ए को तो मान लेते हैं हम सपोज कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा. बी को मान लेते हैं कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा. और सी को मान लेते हैं कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा. तो वी कैन ऑब्जर्व यदि मैं ऐड करूंगा ए प्लस बी प्लस सी विल बी 0 कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ये भी 0 है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी 0 है. ए प्लस बी प्लस सी इज 0. सिमिलरली 1/a देखें हम तो पावर -1 होगी. तो डिमोवर थ्योरम से इट इज
कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, वन अपॉन बी इज कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, एंड वन अपॉन सी इज कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा. एंड वी कैन ऑब्जर्व, यदि इनको भी ऐड करते हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज जीरो, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज जीरो. सो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इज ऑल्सो जीरो. अब इसमें मैथ्स का कॉलम में, कॉलम वन में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसकी वैल्यू पूछिए. तो यहां से वी कैन ऑब्जर्व ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, एंड ए बी इज e की पावर आयोटा अल्फा और b इज e की पावर आयोटा बीटा, e की पावर आयोटा बीटा e की पावर आयोटा गामा और e की पावर आयोटा गामा इंटू e की पावर आयोटा अल्फा इज जीरो, है ना. यहां से इसको हम देखें तो यह आ जाएगा सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये तीन टर्म्स आएंगी इक्वल टू जीरो. अब कंपेयर करें एलएचएस और आरएचएस में, कंपेयरिंग एलएचएस एंड आरएचएस वी हैव सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो. That means की जो फर्स्ट एंट्री है ए दैट इज मैच विथ पी. तो कॉलम वन की जो सेकेंड एंट्री है बी, इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिग्मा कॉस टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा. तो इस तरह की टर्म लाने के लिए वी विल यूज कि वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू जीरो है, तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, ठीक है ना. और ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी. दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू थ्री, राइट. सो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू थ्री. अब ए स्क्वायर देखें, सो ए स्क्वायर इज ई की पावर आयोटा टू अल्फा एंड बी सी इज ई की पावर आयोटा बीटा प्लस गामा. That means ये ए स्क्वायर और बी सी इस तरह से हम पुट करेंगे तो वी कैन से सिग्मा ए स्क्वायर इज ई रेज टू पावर आयोटा टू अल्फा एंड बी सी इज ई रेज टू पावर आयोटा बीटा प्लस गामा, है ना. इस तरह से सेकेंड और थर्ड टर्म आएगी जिसको हमने एक साथ सिग्मा करके लिख दिया. दिस इज इक्वल टू थ्री, दैट इज सिग्मा ई रेज टू पावर आयोटा टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू थ्री. That is sigma cos 2 alpha minus beta minus gamma plus iota sin 2 alpha minus beta minus gamma equal to 3. Now comparing real part of LHS and RHS. तो आरएचएस में तो रियल पार्ट थ्री है और एलएचएस में रियल पार्ट जो है सिग्मा कॉस टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा दैट इज इक्वल टू थ्री. दैट मीन जो सेकंड एंट्री है बी दैट इज मैच विथ एस, राइट.
तो इस कॉलम वन में जो सी एंट्री है दैट इज सिग्मा कॉस थ्री अल्फा, और सिग्मा कॉस थ्री अल्फा इस तरह की एंट्री के लिए इसको यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल थ्री ए बी सी, दैट इज ए है ई की पावर आयोटा अल्फा, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा थ्री अल्फा, दैट इज ई की पावर आयोटा थ्री बीटा, दैट इज ई की पावर आयोटा थ्री गामा, और आर एच एस विल बी थ्री टाइम्स ई टू पावर आयोटा अल्फा ई टू पावर आयोटा बीटा ई टू पावर आयोटा गामा. सो दिस इज सिग्मा ई टू पावर आयोटा थ्री अल्फा इक्वल टू थ्री टाइम्स ई टू पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अगेन इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस इज सिग्मा कॉस थ्री अल्फा प्लस आयोटा साइन थ्री अल्फा, है ना. सिग्मा मीन्स तीनों एंट्री आ गई, कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा प्लस आयोटा साइन थ्री अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा, एंड दिस इज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. नाउ कंपेयरिंग real parts of LHS and RHS, we have sigma cos 3 alpha, that means cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, aur yahan pe jo real part hai that is 3 cos alpha plus beta plus gamma, that means the third entry C hai that is match with R. तो इसमें जो कॉलम वन में जो लास्ट एंट्री है उसमें टर्म आ रही है सिग्मा कॉस क्यूब थीटा प्लस अल्फा अपॉन पाई, पाई मतलब प्रोडक्ट कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो थीटा की टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली ए जो लिखा हुआ है दिस इज ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा, दिस इज ई रेज़ टू पावर आयोटा बीटा एंड दिस इज ई रेज़ टू पावर आयोटा गामा. दोनों तरफ ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा into a, that is e raised to power iota theta into e raised to power iota alpha, e raised to power iota theta into b is equal to e raised to power iota theta into e raised to power iota beta, and e raised to power iota theta into c is e raised to power iota theta into e raised to power iota gamma. इनको add कर देते हैं, add करने पे we will get e raised to power iota theta ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सिग्मा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, एंड क्लियरली ए प्लस बी प्लस सी विल बी जीरो क्योंकि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ये भी जीरो है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी जीरो है. ए प्लस बी प्लस सी जीरो, और ए प्लस बी प्लस सी जीरो है यदि यहां पे पुट करते हैं तो वी विल हैव सिग्मा आयोटा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो. नाउ इफ यू कंपेयर रियल पार्ट्स ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस, तो आरएचएस में तो रियल पार्ट क्या है जीरो, और एलएचएस में जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे वी विल गेट कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस बीटा प्लस कॉस थीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो. अब एलजेब्रा में हमने देखा था यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, सो वी कैन सी दैट देयरफॉर कॉस क्यूब थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस बीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस गामा is 3 times cos theta plus alpha into cos theta plus beta into cos
theta plus gamma. That means sigma cos cube theta plus alpha upon pi, that is product series cos theta plus alpha is 3. That means your last entry D, it's match with S of column 2.